गुजरात में आम आदमी पार्टी के विधायक के इस्तीफे पर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा है। पार्टी ने विधायक भूपत भयानी के इस्तीफे की फोटो और इस्तीफे की कॉपी को ट्वीट करते हुए लिखा कि गुजरात से आप गायब होने वाली है। पार्टी ने पोस्ट में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि राष्ट्रीय हित के विरोध में काम करने वाली आपके गुजरात के दिन पूरे होने वाले हैं। साल भर पहले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 14% वोट हासिल करते हुए 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। विसावदर के विधायक भूपत भयानी के इस्तीफे के बाद पार्टी के विधायकों की संख्या अब 4 रह गई है। बता दें कि आप विधायक के इस्तीफे पर गुजरात बीजेपी ने सोशल मीडिया से केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है। पार्टी ने कुछ दिनों में आप गुजरात में गायब हो जाएगी। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के खोखले दावे से उनकी ही पार्टी के विधायक तंग आ गए हैं। विसावदर के विधायक भूपत भाई भयानी ने इस्तीफा देकर देश विरोधी पार्टी को छोड़ने का फैसला किया है। बीजेपी की ओर से कहा गया कि जनता में भटकाने का काम करने वाली आम आदमी पार्टी अब गुजरात से गायब होने की दिशा में है। आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले भूपत भयानी के अगले कुछ दिनों में बीजेपी में शामिल होने की अटकलें हैं। दरअसल गुजरात के बीजेपी हमले पर आपके प्रदेश अध्यक्ष ईशुदान गढ़वी ने पलटवार किया। उन्होंने बीजेपी की पोस्ट को कोट करते हुए लिखा कि गुजरात की जनता ने 156 सीटें दी थी, लेकिन इसके बाद भी काम नहीं कर पाए, सब फर्जी मॉडल बना दिए। बीजेपी लोगों के काम करने की बजाय लोकतंत्र की हत्या करने और जश्न मना रही है। वाजपेयी जी ने एक सीट के सरकार जाने की थी, उनकी ये बीजेपी नहीं है। ब्रिज टूटे, नकली पकड़े जा रहे हैं, रिश्वतखोरी सामने आ रही है, इस सब को मूंदने के लिए बीजेपी विपक्ष को तोड़ रही है। गुजरात विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के अच्छे प्रदर्शन के लिए काफी मेहनत की थी। इसके बाद पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिली थी। पार्टी ने इसके बाद संगठन में बदलाव करके प्रदेश के कमान ईशुदान गढ़वी को सौंपी थी और तत्कालीन अध्यक्ष गोपाल इटालिया को महाराष्ट्र को सह प्रभारी बना दिया था।